नमस्कार आजर खबर को स्वागत करछि मु पल्लवी प्रथमे हेडलाइंस थाना आईएसी को अश्लील व्यवहार बालेश्वर जिला रायबणिया थाना सम्मुखरे लोकक धारणा आईएसी को बदली को दाबी पुरी रे गड़िबो मो बस एप्रिल 1 रु आरंभ हेबो मो बस सेवा क्रूड पक्षरु सूचना उपकृत हेबे श्री क्षेत्रवासी जळुची ओडिसा 40 डिग्री उपरे राज्यर 8 शहर अध्यय करुची ताती खरारे बाहर को न बाहरिबा पई राज्य सरकारन को परामर्श वर्तमान संपूर्ण खबर थाना आईएसी कर अश्लील व्यवहार और साधारण लोकों को दुर्व्यवहार आदि विरोध रे बदली दाबी करी अनिर्दिष्ट काल पई थाना अधीन रे थिबा ग्रामवासीक तरफरु थाना सम्मुखरे धारणा जोगदेले बहु संख्यक ग्रामवासी बालेश्वर जिला जळेश्वर ब्लॉक रायबणिया थाना रे आईआईसी प्रफुल्ल मल्लिक कार्य करि आछंती थाना मध्य रे साधारण लोकन को उत्तम व्यवहार सहित उत्तम सेवा जगाई देबार 5T सरकार को निर्देश रहित पाबळे आईआईसी यहार व्यतिक्रम करी साधारण लोकन को अश्लील भाषा रे गाळी गुलस करबा सहित दुर्व्यवहार करतबा देखबा को मिछि गत 23 तारीख राति रे ग्रामवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम पई अनुमति नेबा को आसीतबा बेले थाना अधिकारी ग्रामवासी को दुर्व्यवहार करबा सहित अश्लील भाषा रे गाळी गुलज करथिले एहाको विरोध करी ग्रामवासी को तरफरु 7 दिन भितरे आईएसी को बदली पई एसपी को लिखित अभियोग करथिले मात्र 7 दिन रो अवधि सरथिले मध्य कोनसी सुफल न मिलबारु आज शताधिक ग्रामवासी तरफरु थाना आगरे धारणा रे बसथिबार देखबा को मिलछि जे पर्यंत आईएसी को बदली न हुए धारणा अहरात्र जारी रहिबो बोली धारणाकारी माने सूचना देछंती धारणार बसिबार कारण होउछि जनसाधारण को प्रति जो लोकल रायबणिया थाना रो आईआईसी जो भली भाव रे व्यवहार करूछंती लोक माने सेतिप्रति अस्थिष्ट होइ आज आसी धारणा रे बसछंती एवं सिए सब बेले चेष्टा करूछंती जे आइन रु ऊर्ध रे रही सिए गोटे आइन चलेबा पई एवं से आइनटा होउछि तांकर तांको द्वारा निर्मित तांको द्वारा माने तयारी तांको द्वारा सब तेणु सिए जे भली भाव रे मनमानी चली जंती जे सीए जहाँ चाहिए सेटा हबो जेटा चारियाड़े होची सेटा एठी हेई पारिबोनी जेटा सीए एठी चाहिए सेटा हबो तेणु ता विरुद्ध रे एटा आमर धारणा जे सीए एठु न जीवा पर्यंत ए धारणा चालू रहिबो जी आमर जो रायबणिया थाना रो जो आईआईसी तांकर जो आचरण उच्चारण ए दुईटी जिनिस जो प्रतिष्ठान सरकार को पई उद्दिष्ट एई उद्दिष्ट संस्था रे एई उद्दिष्ट थाना रे जनसाधारण को सुशासन उत्तम व्यवहार प्रदान करिबा पई सरकार महोदय निर्देश देइचंती एवं से निर्देश को आमर वर्तमान रो अधुना आईएसी पालन करिवारे अक्षम तेणु मोर अनुरोध जे तुरंत ए जो दुर्व्यवहारकारी आईएसी को एटु बदली करा जाऊ जे पर्यंत दुर्व्यवहारकारी आईएसी बदली न होइचंती आमे समाजसेवी छात्रवृंद एवं जनसाधारण आमे धारणा रे बसि जळेश्वर प्रदीप जेनाक रिपोर्ट डीटीवी हुडिया जगन्नाथ धाम श्रीक्षेत्र पुरी रे गड़िब मो बस पुरी रो प्रत्येक गली कंदरे गड़िब राज्य सरकार को मो बस एप्रिल 1 तारीख रु श्रीक्षेत्र पुरी रे हिसेबा आरंभ एबाने क्रूड पक्षरु सूचना जारी होची कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट दीर्घ 4 वर्ष धरी कटक भुवनेश्वर खोर्धा पुरी भली प्रमुख सहरांचल रे मो बस सेवा जगाई आसुची पूर्वरु पुरी जिले रे दुईटी रूट रे एक्सप्रेस सेवा जारी रहिछि किंतु एथर पुरी शहर मध्यरे मो बस चलाचल आरंभ हेबो रूट नंबर 52 पुरी बस स्टैंड रु रेल स्टेशन समुद्र कूल सरकदार दे लाइट हाउस पर्यंत चलिबा कुथिबा बळे रूट नंबर 53 मालतीपाटपुर ठु 18 नळा रोड दे पुरी बस स्टैंड जाय गति करिवो एहा द्वारा पुरी वासिंक समेत पुरी पर्यटकक पई यात्रा करबा दिगरे सहायक हेबो जगन्नाथ धाम पुरी रे हिसेबा अप्रैल 1 तारिख रु आरंभ हेबो एथिरे मुख्यतः 52 एवं 53 नंबर दुईटी नुआ रूट जोडा होछि यात्रीक क्रमागत अनुरोध परे क्रूड पक्षरु प्रथम थर शहर मध्यरे मो बस सेवा आरंभ करा जेबा को निष्पत्ति निया जायछि क्रूड परिचालन निर्देशक संजय कुमार सिंह कहिछन्ति जे पुरी भली एक पर्यटक बहुल स्थान रे क्रूड पक्षरु मो बस सेवा आरंभ होयुछि एहा निश्चय खुशी खबर आशा करछु जे पुरी जिला एवं पुरी को आसुथिबा दैनिक हजार हजार पर्यटकक पई मो बस सेवा बेस सहायक हेबो भुवनेश्वर सरंदी विश्वक रिपोर्ट डीटीवी ओडिया जळुची आभ्यंतरण ओडिशा अध्यय करुची ताती 40 डिग्री उपरे राज्यर 8 शहर आसंता 3 रु 4 दिन पर्यंत तापमात्रा आहुरी बढ़िबो बोली सतर्क करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र आज ओ काली प्रबल खरा पई 7 जिला को वार्निंग जारी करा जायछि आभ्यंतरण ओडिशार अनेक स्थान रे दिन तापमात्रा स्वाभाविक ठारु 3 रु 5 डिग्री बढ़िबा संभावना रहिछि विशेष करी मयूरभंज बौद्ध सोनपुर बलांगीर ओ बरगढ़ रे ताती अधिक रहिबो तेबे
एप्रिल 3 तारिख रे आभ्यंतरण उपकूल ओडिसा रो किछि जिल्ला रे हालुका वर्षा हेबार संभावना रहिछि। एप्रिल 2 तारिख परे राज्य को जलीय वाष्प पूर्ण वायु प्रवेश करिवो। एहा उत्तप्त वायुमंडल संस्पर्श रे आसी किछि जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होई परे। गत 24 घंटा रे टेटलागडे सर्वाधिक 42.7 डिग्री, बलांगीर रे 42.5 डिग्री, सोनपुर रे 41.9 डिग्री, झारसुगुडा रे 41.2 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। सेहिपरि भुवनेश्वर रे 34.8 डिग्री ओ कटक रे 38.1 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होछि। भुवनेश्वर सलंद विश्वंक रिपोर्ट डीटीवी भुडिया। चोरी करिबा पडिला महंगा, निस्तुक माड़ मारिबा सह पुलिस रे जिम्मा तले लोके। चोर को धरी सर्वसाधारण रे रसरे बांधी माड़ देई पुलिस को हस्तांतर कले ग्रामवासी। सूचना अनुजाई बालेश्वर जिला बालियापाड़ा थाना तारिणी छकठे संध्या समय रे राजा नामक जने व्यक्ति पाखु गतकाली अस्थि पंचायत स्कूल चोरी होता पूजा बासन कुशर बाहर स्थानीय लोक मैंने से ही व्यक्ति जनक चोरी करी जापारे युवक को रसी बांधि माड़ मारी तेज यह खबर बालियापाड़ा पुलिस को देते। घटनास्थल में बालियापाड़ा पुलिस पहुंची चोर को उद्धार कर थाना को नहीं तदंत जारी रखिंट। जलेश्वर प्रदीप कुमार जेना रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। जाजपुर जिला बरी ब्लॉक सम्मेलन कक्ष में महात्मा गांधी जातीय कर्म निजुक्ति योजना और जातीय खाद्य सुरक्षा आईन संक्रांत ब्लॉक स्तरीय जनशुणी अनुषित हो जाओ। शिवानंद स्वईं सभापतित्व में अनुषित जनशुणी में अतिरिक्त जिला प्रकल्प निर्देशक रश्मिरेखा प्रधान मनरेगा योजना कार्य स्वच्छता सामाजिक समीक्षा उपरे गुरुत्वारोप करते। 2020-21 आर्थिक वर्ष में ब्लॉक श्रमिक व्यय अटकल धार्य लक्ष्य ठारु 21% अधिक थिबा जनापड़ी। यह वर्ष 9537 परिवार 15476 लोक 386,388 दिन काम जोगाई दी जाए। यह बाबद को 2020-21 वर्ष 11,21,00,000 टंका व्यय होता सामाजिक समीक्षा बैठक में जमापड़ी। यह समय मध्य 348 परिवार को 100 दिन काम जोगाई दी जाता बेले 1508 प्रकल्प शेष होता प्रशासन पक्षर कहला। यह कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष अशोक कुमार गेडी, ब्लॉक सहकारी निर्वाही यंत्री संदीप दास, जिला सामाजिक समीक्षा अधिकारी सत्यव्रत साहू, नवनिर्वाचित जिला परिषद सभ्य दिलीप कुमार महांती, संतोष कुमार सामल, विभिन्न पंचायतर सरपंच समिति सभ्य, ब्लॉक वित्त अधिकारी राधाश्याम राउत, जीपीओ लक्ष्मीकांत महाराणा, सहकारी यंत्री नेहुर बेहरा प्रमुख जोगदे आलोचन अंशग्रहण करते। जाजपुर बरीरु स्नेहांशु शेखर महांती रिपोर्ट डीटीवी भुड़िया। रेल धारणा अतिक्रम करुवा बेले ट्रेन धक्कर जड़े अजणा महिला मृत्यु होती। घटनास्थल में रेलवाई पुलिस पहुंची तदंत जारी रखी। सूचना अनुजाई बालेश्वर जिला जलेश्वर थाना लक्ष्मणनाथ रेल स्टेशन अनति दूर से आज सका समय एक महिला रेल धारणा अतिक्रम करुवा बेले द्रुत गति से आसुवा एक ट्रेन धक्का देता। ट्रेन धक्कर महिला मृत्यु होती। खबर पाई रेलवाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची शव जबत कर तदंत जारी रखी। तेज महिला कौन परिचय मिल पारिना। जलेश्वर प्रदीप कुमार जेना रिपोर्ट डीटीवी भुड़िया। आज भी पुणी बढ़ला तेल दर। 10 दिन में लगातार 9 दिन धरी बढ़ी चली तेल दर। 80 पैसा लेखाएं बढ़ी उभय पेट्रोल और डीजेल दर। दिल्ली में पेट्रोल लिटर पिछा दर 101.81 पैसा पहुंचा बेले डीजेल दर 93.7 होपरी। मुंबई में पेट्रोल और डीजेल दर 84 पैसा लेखाएं बढ़ी। फल मुंबई में पेट्रोल लिटर पिछा दर 116.72 पैसा पहुंचा बेले डीजेल 100.94 पैसा पहुंची। चेन्नई में 76 पैसा लेखाएं वृद्धि पाई तेल दर। चेन्नई में पेट्रोल लिटर पिछा 107.45 पैसा पहुंचा बेले डीजेल दर 97.52 पैसा होती। विश्व बजार रुष युक्रेन युद्ध मध्य फेब्रुआरी में अशोधित तैल दर 130 डॉलर प्रति बैरल थिला ताहा बे ह्रास पाई 103 डॉलर पहुंची जाए। तथापि देश में पेट्रोल और डीजेल दर बढ़िवे लगी। विशेषज्ञ अनुसार तैल दर ए मध्य कमार कौन संभावना नहीं। भुवनेश्वर शैलेन्द्र विश्वंक रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। भुवनेश्वर स्थित टंकपाणी रोड जगन्नाथ आश्रम सम्मुख में एक नूतन अत्याधुनिक उपकरण सह एनक्योर डायग्नोस्टिक उद्घाटन हो अंचल नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर संतोष कुमार सिंह द्वारा ही शुभ उद्घाटन होता। यह सहित पंडित द्वारा विभिन्न देवादेवी उद्देश्य पूजार्चना करने होम कार्य संपादन कर साधारण जनसाधारण को विशेष सेवा जोगाई देवा लगी केन्द्रटी कार्य कर। एठारे वरिष्ठ नागरिक माने 50% रिहाती रे सारा जीवन विभिन्न परीक्षा मान कराई परिबे। होम कलेक्शन फ्री रहिबा सह ब्लड प्रेशर मागणा रे चेक करि परिबे। एही उद्घाटन रे एक फ्री सुगर कैंप आयोजित करा जायथिला।
ଏଥିରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ନିଜ ନିଜର ନମୁନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଲ୍ୟାବରେ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସହ କ୍ୱାଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ଲ୍ୟାବର ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନୁଭବ ଅବିନାଶ ସାହୁ, ଲ୍ୟାବ୍ ହେଡ୍ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ, ପ୍ରପୋରେଟର ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନାଲି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବେହେରା, ଲ୍ୟାବ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଯୁବ ନେତା ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ନବଘନ ପରିଡ଼ା, ମଳୟ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ସମାରୋହଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତଥା ବହୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହିପରି ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ରମ ଫଣ୍ଡରେ ନୂଆ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଏନ୍କୋ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ଉଦ୍ଘାଟନ ଆଜି ଆମେ କରିଛୁ। ଯେହେତୁ ମାନବ ସେବାରେ ମାଧବ ସେବା, ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଲାଭ ନେଇ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଟା ମାଗଣାରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ଼ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ରମର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ଏନ୍କ୍ୟୁର୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍। ଯାହାର ବେସିକ୍ ସବୁ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ୟାସିଲିଟିର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ଯାହା 50%ର ଅଫ୍ ରହିବ। ଲାଇଫ୍ ସାରା ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଉଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ସୁଗରର ଫ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ନିଜର ସୁଗାର କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ରି କରିପାରିବେ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସବୁଗୁଡ଼ିଏ ଉପକରଣ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମେସିନ୍ ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ଅଦର ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବି ପାଇବେ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲ୍ୟାବ୍ ଅଛି ସେ ଲ୍ୟାବ୍ର ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ। ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପରେ ହିଁ ଲ୍ୟାବ୍ଟି କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଆସିକି ନିଜ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକାଲ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ଠୁ ପାଆନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ହାଟକୁ ପଶି ଆସିଲା ଗୋଠ ଛଡ଼ା ଦନ୍ତା, ପରିବା ଖାଇଲା ଶେଷରେ ଫେରିଗଲା, ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପନିସାପଡ଼ା ଗାଁ ହାଟରେ। ଗାଁରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ବସିଥିବା ସମୟରେ ନୀଳଗିରି ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଗୋଠ ଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ପଶି ଆସିଥିଲା। ହାତୀକୁ ଦେଖି ହାଟରେ ଥିବା ଲୋକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦନ୍ତା କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ନକରି ହାଟରୁ ପରିବା ଖାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାଇବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରାଇବଣିଆ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା, ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବଦଳିକୁ ଦାବି। ପୁରୀରେ ଗଡ଼ିବ ମୋ ବସ୍, April 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୋ ବସ୍ ସେବା, କ୍ରୁଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା, ଉପକୃତ ହେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ। ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ, ରାଜ୍ୟର 8 ସହର ଅଧ୍ୟୟ କରୁଛି ତାତି, ଖରାରେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।